हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए क्या है, हरियाणा जीके की वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट हरियाणा जीके, इंडियन जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस, पटवारी या ग्राम सचिव या कलर्क ग्रुप डी, एस्टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस टॉपिक में से क्या है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आज का हमारा जो हरियाणा जीके का टॉपिक है वो क्या है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के प्रमुख नेता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ हरियाणा जीके। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी वो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, जो फर्स्ट ऐसी लड़ाई है जिसके बाद क्या है, भारत के लोगों में आजादी के लिए क्या है, एक भावना पैदा हुई। उनको लगा कि हम क्या है, अंग्रेजों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उस 1857 की क्रांति ने क्या है, हमारे जो देशवासी हैं उनके लोगों पर बहुत प्रभाव डाला और उसी क्रांति की वजह से क्या है, आज हम आजाद हो पाए हैं। तो 1857 की क्रांति हुई थी तो जो पूरा भारतवर्ष है वो उसमें इकट्ठा हो गया। तो हरियाणा के किन किन नेताओं ने भाग लिया, किन किन राजाओं ने भाग लिया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो रेवाड़ी जिले से क्या है, राव तुलाराम, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, ये जो रेवाड़ी जिला है उससे राव तुलाराम जी ने क्या है 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी। फरीदाबाद जिले से धानु सिंह, जो फरीदाबाद जिला है उससे क्या है, धानु सिंह ने क्या है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पटौदी से किसने क्या है, अकबर अली। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखना, इसको अच्छे से याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो पटौदी है उसमें से क्या है, अकबर अली ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बहादुरगढ़ से क्या है, नवाब बहादुर जंग, इसको याद करना आसान है, ठीक है। बहादुरगढ़ से नवाब बहादुर जंग ने क्या है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला देखिए, पलवल का जो है, पलवल की तरफ से गफरू अली। मेवात सदुरुद्दीन, मेवात, जो मेवात में से क्या है 1857 की क्रांति में जो सदुरुद्दीन है उसने क्या है भूमिका निभाई थी। पानीपत में से किसने भाग लिया था, इमाम अली कलंदर। अगला देखो, सापला से किसने भाग लिया था, साबर खान ने। दुजाना से किसने लिया था, हसन अली। दुजाना से किसने भाग लिया था 1857 की क्रांति में, हसन अली ने लिया था। झज्जर से किसने लिया था, अब्दुल रहमान खान ने क्या है झज्जर से 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका निभाई थी। बल्लभगढ़ से, देखो दोस्तों वो बहादुरगढ़ था, ये बल्लभगढ़ है, ठीक है। बल्लभगढ़ से क्या है, नाहर सिंह ने क्या है अपनी भूमिका निभाई थी। इसार से मोहम्मद आजम, आसी से हुकमचंद जैन ने, और रानिया से किसने, नूर मोहम्मद खान ने। फरुखनगर से अहमद अली ने, खरखोदा से विरासत अली ने। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे नेता है जिन्होंने क्या है हरियाणा की तरफ से 1857 की क्रांति में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई थी। 1857 की क्रांति सफल हुई नहीं थी, क्योंकि सभी जो कहीं ना कहीं पर ऐसे गद्दार भी थे जिन्होंने क्या है अंग्रेजों को 1857 की क्रांति का जो होने की सूचना दे रही थी, वो सफल हुई या ना हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हम आजाद हैं। और इसी क्रांति के कारण क्या है, लोगों के अंदर आजादी का जो भाव है वो उत्पन्न हुआ था और इसी कारण हमारा देश आजाद हुआ है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरी देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एसकेके एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगली वीडियो में जरूर आना, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। गुड बाय।